अगर वो जीत गया तो उसे 40 मिलियन मिलेंगे और अगर वो हार गया तो उसे फिर से माइन में जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। उसे इसके लिए एक पतले पुल पर से एक छोर से दूसरे छोर पे जाना है। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि कर्ज से बहुत ज्यादा डूबा हुआ है और उसके पास अच्छी नौकरी भी नहीं है जिससे कि वो अपना कर्जा उतार सके। तभी अचानक एक दिन एक औरत आती है उसके पास और उसे कहती है कि तुम्हारा दोस्त जिसे तुमने कर्जा दिलवाया था वो भाग गया है और इसके बदले तुम्हें उसके पैसे चुकाने होंगे। लेकिन ये आदमी कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो वो औरत कहती है, मैं तुम्हें एक गेम शो में भेजूंगी जहां अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो बहुत सारे पैसे जीत जाओगे। फिर ये आदमी गेम शो में जाता है और वो गेम हार जाता है, जिसके कारण इसको और जो लोग गेम में हारे हुए थे उन सभी लोगों को माइन में ले जाया जाता है और मजदूरी करवाता है और महीने के अंत में बहुत कम पैसा देता है, जिसे देख के इसे लगता है इससे तो मैं कभी भी अपना कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। तो माइन का डॉक्टर उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहां से निकलना है तो तुम्हें एक गेम शो खेलना होगा जिसमें तुम्हें एक पतले से पुल के एक तरफ से दूसरे तरफ पे जाना है बिना